हेलो गाइस, तो गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे पटाखे बैन कर दिए और कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउ किए हैं। ग्रीन पटाखे जैसे कि ये रहे, हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये ग्रीन पटाखा है, इसमें ऐसा सिंबल रहेगा। ग्रीन पटाखों में कुछ ऐसा होता है कि वो नॉर्मल पटाखों के कंपेरिजन में 30 से 40% तक का कम पोल्यूशन करते हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उससे थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा होती है, लेकिन पोल्यूशन कम करते हैं, तो वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जलाना चाहिए। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन पटाखे हैं जिसका आज यहाँ पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ और बाद में जब इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास सोनी फायरवर्क्स का एक स्काई शॉट है। जो नॉर्मल हम स्काई शॉट लेते हैं वो 250 से 300 में आता है, ये मुझे 400 रुपये में मिला। नेक्स्ट हमारे पास ये आनंदा का 10 मल्टी शॉट्स, ये भी एक ग्रीन पटाखा है, ये भी मुझे कुछ अराउंड 250 या 300 में मिला है। और इसी में हमारे पास एक और यूनिक सा पटाखा है, ये फ्लिपर्स करके, बेसिकली ये एक चटरपटर जैसा ही है लेकिन कुछ अलग शेप में है जिसे हमें देखने में मज़ा आए। ये भी एक ग्रीन पटाखा है, यहाँ पे कहीं सिंबल होगा, देख लीजिए यहाँ पे सिंबल है ग्रीन का। और एक हमारे पास एक और ग्रीन पटाखा है, सोनी का अनार है, ये बहुत बड़ा अनार है, देखिए और दिखने में भी काफ़ी मस्त लग रहा है और पॉल्यूशन भी कम करता है। और एक हमारे पास पटाखा है ये वाला, ये बहुत ही यूनिक है, ये बेसिकली ये 10,000 वाला है, 10,000 वाला मतलब 10,000 बार फूटेगा, ये देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ इतने में 10,000 बार ये फूटेगा। ये काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा इसलिए मैंने इसे ट्राई करने के लिए ले लिया, ये मुझे 200 रुपये में मिला था। ये भी एक ग्रीन पटाखा है। और हमारे पास एक और कुछ फाउंटेन है आनंदा का, बेसिकली अनार जैसा ही होगा इसमें, ये भी एक ग्रीन पटाखा है, यहाँ पे सिंबल है इसका ग्रीन का पटाखे का। और हमारे पास एक है यहाँ पे चटर पटर, ये भी एक ग्रीन पटाखा ही है। और दो चीज़ हमारे पास और है, ये स्पार्कल से फुल जड़ी, जो ग्रीन पटाखा इसमें सिर्फ 5 ही आई। और यहाँ पे है झील मिल, यानी कि हंटर बोलते हैं, हंटर भी बोलते हैं, रस्सी भी बोलते हैं, झील मिल भी बोलते हैं, ये चीज़ें। पहले ट्राई करते हैं आनंदा का फाउंटेन को, पोपो फाउंटेन को, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। यार ये पटाखा तो बहुत ही मस्त था यार, मुझे पहले लगा था इसमें कुछ फाउंटेन होगा अनार जैसा, लेकिन ये ऊपर जाके बहुत ही स्काई शॉट जैसा हुआ, ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया था लेकिन बहुत मस्त हुआ। अब ट्राई करते हैं ये कि अजंता का फ्लिपर्स को, देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। अब ट्राई करते हैं ये वाला चटर पटर को, देखते हैं ये भी किस तरह से वर्क करता है। यार ये तो जल्दी ही जल गया, जिसे आप जला रहे हैं तो अगरबत्ती से जलाइए या काफी दूर से जलाइए, जैसे मैंने लाइटर से जलाने की इससे गलती कर ली थोड़ी। अब ट्राई करते हैं ये वाले अनार को, आनंदा का सोनी का फायर अनार है, अब देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। चल जा,
यार ये अनार बहुत ही मस्त था, ग्रीन क्रैकर है लेकिन बहुत ही मस्त था इसके कंपैरिजन में। तो यार ये रही हमारे पास एक ग्रीन फुलझड़ी, और एक यहाँ पे हमारे पास ग्रीन चक्री भी थी जो मैं वीडियो में दिखाना भूल गया, और मैंने टी शर्ट भी ग्रीन पहना है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर से ग्रीन पटाखे समझ के लाल बटन को हरा कर दीजिए। अब चक्री को जलाते हैं। ओ यार ये चक्री तो काफी मस्त थी, काफी देर तक जली, और फुलझड़ी भी हमारी अभी तक जल रही है। और इसमें से हम इसका और इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा और ये एक यूनिक सा पटाखा है, इसका हम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। बाकी सबका यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये वाला स्काई सोल्ट्स को, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। सोनी का है, बहुत अच्छा चलना ही चाहिए। तो यार ये स्काई शॉट काफ़ी मस्त था, बहुत ही ऊपर गया। पहले मुझे लगा था ये ऊपर जाके फटने ही नहीं वाला, लेकिन ये ऊपर जाके हमें काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिला। हमारे पास एक और लास्ट चीज़ है, अब इसको जला लेते हैं, हंटर को, झिलमिल को। इसे ख़त्म होने में काफ़ी देर लगेगी। तो यहाँ पे अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा, ग्रीन पटाखे अच्छे लगे, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ग्रीन पटाखे में है झिलमिल थोड़ी बुझ गई, वापस से जला लेते हैं, देख लीजिए ग्रीन लाइट भी हो रही है।